सत श्री अकाल जी तुहानू सारिआं नूं मेरे वल्लों। ते आ जी अपना सवेर दा टाइम है, हले 6:45 ही होए ने, 6:30 जां 6:45 होए दा टाइम है। ते इधर जी मैं फटाफट युवराज दा ब्रेकफास्ट ते लंच तैयार करता है स्कूल दा। आ देखो जी 6:45 होए ने, घड़ी थोड़ी असी अगे रखी 10 मिनट। तो युवराज नूं मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करा के लंच वगैरह देता सी, नाल प्याज वाली परौंठियां बनातियां सी। तो उस तो बाद जी मैं सारा घर का काम कुम किया। तो इधर जी लाइट भी बंद हो गई है हुण। तो आ जी देखो जी मैं कपड़िया का गट्ठर कढ़ के रखा हुआ, पुराने जिहड़े अपने कपड़े आप नहीं पाते हैं, बच्चों के हो गए, अपने जिन्ने भी फैमिली के कपड़े होंगे ने उन्हें फिर मैं गट्ठर बन के रख दिनी हूँ अलग एक। तो साढ़े इधर जी अगे भी मैं वीडियो पाई सी, आश्रम तो गड्डी आती है पटियाले तो वह फिर लै जाते हैं कपड़े दे दो, भावें राशन दे दो, पैसे दे दो, जड़े भी जरूरत वाला समान है, आप दवाई गोलियां भी दे सकते हैं, तो बूट चप्पल भी दे सकते हैं। तो वो जी अचानक आ देखो जी गड्डी की मैंने आवाज़ आई, मैं नहा चली सी काम कुम करके, तो फिर मैं रुक गई, मैं क्या घर कोई है नहीं गा। तो फिर मैं पहला फड़ा देव कपड़े फिर नहा जावे, नहीं तो गड्डी निकल जाएगी, फिर 3 महीने तो पहला 4 महीने तो पहला गड्डी आती नहीं है। तो गड्डी इधर ही अपनी गली दे विच ही आ गई सी, पहला परे सी, तो मैं क्या चलो वधिया, मैं नहा नहीं गई। तो लो जी मैं कपड़े वगैरह देते सीगे उन्हां नूं। तो हुण जी दोपहर का टाइम है, तो इधर जी मैं लगी हाँ सब्जी की तैयारी करन। तो आलू बैंगन की आपां सब्जी बनावांगे ग्रेवी वाली। ग्रेवी देखो जी मैं मसाला वगैरह भुन लिया सी, ग्रेवी अपनी तैयार हो गई है। तो हुण इहदे विच कट्टे हुए आलू तो बैंगन पा दिते ने, थोड़ा जिहा बैंगन तो आलू नूं भी थोड़ा जिहा फ्राई जिहा कर लाँगी ग्रेवी दे विच, पहलां भुन लाँगी फिर आपां जरूरत दे हिसाब नाल पाणी पा दांगे। तो नाल जी उधर मैं रायता भी बना लिया, उन्हूं आपां फ्रिज च रख दांगे। तो युवराज दे आण दा भी टाइम हो रहा, अद्धा घंटा ही रह गया, 1:30 बजे आऊगा, 1 बजे दा टाइम है। लो जी अपनी सब्जी बन गई है, तो आपां 2 सीटियां लवा लियां सी, ग्रेवी वाली रखी है आपां हल्की हल्की, हले तुहानूं देखण नूं पतली लगती पी है पर पतली बिल्कुल नहीं सी, ग्रेवीदार सी, बड़ी गाढ़ी गाढ़ी जी। तो लो जी आप रोटी वगैरह खा ली सी, मौसम चंगा भला सीगा। आ देखो जी इधर हूँ मीह पैना शुरू हो गया, मीह भी किन्ना क पिया, बस जिन्नी क मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ 5 मिनट भी नहीं पिया होना, मसा ही 3 मिनट पिया होना। आ देखो तेज तेज पिया 3 मिनट, उस तो बाद है बुरी तरह की धुप चढ़ गई, भैड़ी गर्मी हो गई, नाल लाइट फिर बंद हो गई सी दोबारा 2 घंटे लिए। आ देखो इदा लग रहा जिवें किन्ना रज के पऊगा, बस इन्ना की पैना इन्ना मी। बच्चे धुप निकल जानी है हुण थोड़ी देर तक। तो आ हैगा जी अपना रात का टाइम, तो राती जिहड़ी अपनी आलू बैंगन की ग्रेवी वाली सब्जी पई हुई सी थोड़ी जी, तो सलाद वगैरह कट लिया सीगा, फुलके पहले ही बना के रख दिते सी मैं। तो इधर जी अपनी दाल भी बन गई, तड़का वगैरह लाता है दाल नूं, ते नाल आपां सब्जी ले लांगे थोड़ी, फुलके सब्जी नाल खा लांगे, ते नाल चौल बनाए ने। ते साडे युवराज दी आदत है वो जे दाल मनूगा खाण नूं कहूगा नाल चौल भी बनाओ फिर दाल खावांगा, नहीं तां फिर नहीं खांदा कोई भी दाल होवे, चौल चाहिए होंगे ने उन्होंने, फिर मैं चौल भी नाल बनाए ने। तो आ देखो जी अपनी प्लेट तैयार हो गई है रात के खाने की। तो आ हैगा जी अपना दूसरे दिन दोपहर का टाइम, तो इधर जी मैं खीर बनाई सी, अज मौसम वधिया सी, मीह पै रहा सी सवेर का, तो पूड़े भी बनाने से, जब पूड़िया की वारी आई तो आ देखो जी धुप चढ़ गई है, फिर असी कल्ली खीर ही खाधी है, क्योंकि मैनू पूड़े खाने का मज़ा तो आता जो थोड़ा थोड़ा मीह पैंदा होवे विच विच,
ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਖੀਰ ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਖੀਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਆ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਡੀਓਂ ਆਈ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, 80-100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਆ ਜੀ ਪਾਲਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਕੱਟੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਫੁਲਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਨਾਲ ਚੌਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਲਗਲ ਦਾ ਅਚਾਰ।